कोई शक नहीं कि यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र में रानी की रायबरेली के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर तंज कसा है। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि यहाँ सोनिया गांधी का गुस्सा खुलकर सामने आया है अपने ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ। पार्टी के खिलाफ उन्होंने लिया है फैसला। पार्टी के नेताओं को लेकर केंद्र की सत्ता में बने रहने और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए रखने के लिए सत्ताधारी दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने मर्यादा की सारी सीमाएं तोड़ी। ये कहना था सोनिया गांधी का बीते बुधवार को हुए कार्यक्रम में। लेकिन वोटरों को लुभाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाकर बीजेपी ने चाल चली। ये बात कहने वाली सोनिया ने अपने नेताओं की भूल को स्वीकार कर उनके भूल को बड़ी भूल मानकर इसे यूं ही नहीं जाने का फैसला लिया है, नहीं जाने देने का उन्होंने फैसला लिया है। लोकसभा चुनाव में जो भी हुआ उससे लेकर उनका कहना था कि वो नैतिक था या अनैतिक इससे सब रूबरू है। इससे पहले सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को लेकर हम आपको बताना चाहेंगे कि पदाधिकारियों के साथ उन्होंने समीक्षा वाली बैठक भी की। लोकसभा चुनाव के बाद रायबरेली पहुंचकर सोनिया कैसे गुस्से में चिल्लाती नजर आई हम आपको बताना चाहेंगे। गुस्से में उन्होंने कहा, कुछ सालों में जो चुनावी प्रक्रिया में कई तरह के संदेह उभर कर सामने आए हैं उनके पिछले कुछ सालों में इसकी अगर बात की जाए तो बड़ा ही दुर्भाग्य नहीं हो सकता। इससे बड़ा कि सत्ता बचाने के लिए मर्यादा की सीमाएं लांघी गई है। जी हां, राजनीतिज्ञों की तरफ से उनका इशारा बीजेपी की तरफ था। बताना चाहेंगे हम, प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव सोनिया की बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कांग्रेस की हार के लिए कार्यकर्ताओं को जिम्मेदार ठहराया। तो वहीं उन्होंने कहा था यहां वो कोई भाषण नहीं देंगी, लेकिन बोलने के लिए कहा जाए यहां पर तो वो सच बताना चाहेंगी और ये कह चुकी हैं कि कार्यकर्ताओं का वो पता लगाएंगी जिन्होंने पार्टी के लिए चुनाव के दौरान काम नहीं किया है। अगर बात की जाए सोनिया गांधी को लिए लेकर हाय हाल ही में उस स्टेटमेंट की, तो रायबरेली से साल 2004 में चुनाव लड़ने के बाद तब से लेकर अब तक वहीं पर सांसद है सोनिया। और आमतौर पर बाकी पार्टी कांग्रेस को लेकर, अगर पार्टियां जो कांग्रेस को लेकर सीट पर वॉकओवर करती दिखी हैं उसके बारे में भी कोई अनजान नहीं है। इस बार सोनिया के लिए ये खास सिपह सलार रहे दिनेश सिंह ने भाजपा के टिकट पर सोनिया को चुनौती भले दी, लेकिन उन्होंने हार का सामना किया। इसके अलावा अगर बात की जाए चुनाव में सोनिया को लेकर आए वोट की, तो 1.5 लाख वोट से ज़्यादा मतों के अंतर से सोनिया ने भाजपा को हराया। वहीं कांग्रेस के बारे में ये भी खबर आई है कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर चुनाव कांग्रेस ने लड़ा, लेकिन फिर भी कांग्रेस की लड़ाई नाकामी बनकर ही सामने आई। ऐसे में सोनिया काफी ज्यादा गुस्से में हैं। सोनिया प्रियंका गांधी का समर्थन करती नजर आई है, अपनी बेटी के फैसले पर उनके साथ खड़ी है यानी कि कांग्रेस नेताओं के खिलाफ। वो बात जरूर करेंगी जिन्होंने हार को नतीजे के साथ सामने लाने के लिए मजबूर किया, जिन्होंने काम नहीं किया। सोनिया गांधी को छोड़कर उसका कोई उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाया यूपी में, इससे कोई अनजान नहीं। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी परंपरागत सीट अमेठी से चुनाव हार जाएंगे इसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। खैर, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने राहुल को भले ही हरा दिया हो, लेकिन राहुल गांधी अध्यक्ष पद पर अड़े रहे इसके लिए जद्दोजहन प्रयास पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से की जा रही है। इसके अलावा आपको बात की जाए सीटों पर प्रचार कमान संभालने की, तो प्रियंका गांधी ने हर जगह प्रचार प्रसार को संभाला। इसके बावजूद नेताओं को लेकर दोनों की बोल एक जैसी समझ में आई, तो भाग्य बताया है सोनिया गांधी ने जिस तरह की हथकंडे जीत को लेकर बीजेपी ने अपनाया उसे। लेकिन कहीं ना कहीं सोनिया गांधी अपनी ही पार्टी से नाराज है जो कि खुलकर नेताओं का नाम लेती नजर नहीं आई। वैसे आपको बता दें कि प्रियंका ने कहीं ना कहीं अपने नेताओं को धोखेबाज कहने की कोशिश की जिन्होंने काम नहीं किया ईमानदारी से। SBN 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट।